हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी टॉप जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इससे पहले कि आप स्किप करें, एक बात आपको मैं बता दूं, अगर आपको इससे छोटा या बड़ा बनाना है तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं सारी इसकी डिटेल बताऊंगी और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो उससे आप इसको 0 साइज से लेके 6 ईयर तक के बच्चे के लिए आप आराम से बना सकते हैं। फंदे में बता दूंगी, लेंथ में बता दूंगी, और लेंथ और मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन फंदे में बता दूंगी। और ऐसा भी होता है, कई सारे बच्चे हेल्दी होते हैं, कई सारे बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो उस हिसाब से भी आप फंदे रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका ये बता देती हूँ कि साइज क्या है इसका। ये 6 मंथ की बेबी के लिए बना हुआ है। 6 मंथ से 1 ईयर की बेबी को आराम से आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन इसकी जो पैटर्न हमने दिया है इसका, ये थोड़ा स्टिचेबल दिया है। तो अभी आपको जैसे तैयार में दिख रहा होगा ये 7 साढ़े 7 इंच, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा इसमें ऐसे फैलाएं, अभी तो मैंने बहुत कम फैला रखा है, अगर मैं इसको कस के पकड़ के फैलाऊं तो ये इतना फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको जैसे बेबी अपने कंफर्टेबल हिसाब से पहनेगा तो ये इतना तो फैलना ही है इसको, ठीक है, इतना फैलना है। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 9.5 से 10 इंच चौड़ाई में आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट साइड से ज़्यादा बैक साइड में जो पैटर्न दिया है वो काफ़ी फैलने वाला है। ये देखिए इतना फैलने वाला है, ये स्टिचेबल है, ठीक है। तो आपको ये जैसा लग रहा है कि ये बहुत ऐसे चौड़ाई में कम है, तो ये चौड़ाई में कम नहीं है, बैक साइड में तो हमने सीधे सीधे बना रखा है, तो बैक साइड का तो और ज़्यादा फैलेगा। फ्रंट साइड में हमारा ये जो केबल है, केबल की वजह से थोड़ा सा आधा इंच का फर्क आ सकता है आगे और पीछे पार्ट में, ठीक है। और जो ये हमने बॉर्डर बनाया है, ये भी हमने बहुत ही ढीले हाथों से बनाया है, 10 नंबर के नीडल से बनाया है, क्योंकि इसको भी हम ऐसे इस तरह से फैलाना चाह रहे थे। अब इसको पहनाने के बाद इसका लुक आएगा, ये ऐसे तो इसका लुक उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसका लुक पहनाने के बाद आएगा। जब बच्चा पहनेगा तो ये चीज़ भी खींचेगी, ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, देखिए, ठीक है, ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। और बैक साइड में देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्रिल सी नज़र आ रही होगी, जब बच्चा पहनेगा तो ऐसे ये खींच जाएगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर है ये, और बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं आराम से, बहुत स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल मैंने दी हुई है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबी 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर स्वेटर आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, बेल आइकन भी प्रेस करनी है आपको ऑल में, उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट लेके आऊँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस बार मैं कौन सी स्वेटर लेके आई हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और पार्ट नंबर 2 में इसके कितनी इसमें ऊन लगी है, कौन सी ऊन है, सारा इसका डिटेल आपको मिल जाएगा, तो पार्ट नंबर 2 देखना मत भूलिएगा, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊन ली है ओसवाल की, ठीक है। 11 नंबर के नीडल से 79 फंदे ले लेंगे, कोई भी फंदे ले सकते हैं आप, नॉर्मल वाले या डिजाइन वाले कोई भी फंदे ले सकते हैं, ठीक है। 79 फंदे लेकर के 2 रो बना लेंगे पर्ल में। तो चलिए फंदे ले लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे हमने 79 फंदे ले लिए, ठीक है, 79 फंदे ले लिए हैं। 79 फंदों को हम पर्ल में बना लेंगे, 10 नंबर के निडल से ही बनाएंगे हम, सॉरी 11 नंबर के निडल से 2 रो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 79 फंदे ले लिए हैं, 79 फंदों को हम इस तरह से 2 रो हम 11 नंबर के ही निडल से बनाएंगे, पर्ल में बना लेंगे, सीधा तरफ भी उल्टी तरफ भी 2 रो। ये पहली रो है, इसके बाद जो दूसरी रो उल्टी तरफ की आएगी उसको भी इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे पर्ल में, ठीक है। तो चलिए 2 रो कम्प्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 रो बना दी है, ठीक है, सीधी और उल्टी दोनों पर्ल में बनाई है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर शुरू के 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, बस शुरू के 3 फंदे, क्योंकि एक फंदा हमारा जो सिलने में है वो आ जाता है, और धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे। अब इसके बाद हमको 2 उल्टे कर लेने,
दो उल्टे बनाएंगे एक सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, एक उल्टा और दो उल्टा, दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा। इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रो में सॉरी ये रो लास्ट हमारी आ गई है, एक सीधा है, लास्ट के तीन फंदे हमारे उल्टे आ गए। ठीक है, शुरू और लास्ट में हमारे तीन तीन फंदे उल्टे हैं, बाकी बीच में दो ही फंदे उल्टे हैं। ठीक है, ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से 11 नंबर की नीडल हटा लेंगे, 10 नंबर की नीडल लगा लेंगे। थोड़ा सा ये ढीला चाहिए हमको, ये फ्रिल टाइप का बनेगा हल्का सा। ठीक है, बैक रो में हमेशा हम क्या करेंगे, जो फंदे हमने उल्टे बनाए थे उनको बना लेंगे सीधा, और जो फंदा हमारा सीधा था वो बन जाएगा हमारा उल्टा। तो अब बैक रो में क्या आ जाएगा, दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा। इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेंगे, और फ्रंट साइड में जो हम बना रहे थे वही बनाते हुए इसको बना लेंगे हम 3 इंच करीब। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बॉर्डर हमारा लगभग 3 इंच बन चुका है। ठीक है, अगर हम पूरा ये नापे तो 3.5 इंच के आसपास है, अगर थोड़ा सा ऊपर करके करें तो ये 3 इंच हो गया है। आपको जितना बॉर्डर चाहिए उतना ले लीजिए आप। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड की रो है, सीधी साइड की रो हम पूरी सीधी बना लेंगे, साथ में हम 9 फंदे कम करेंगे। इसमें 79 फंदे हैं, इसमें 9 फंदे कम कर लेंगे तो 70 फंदे रह जाएंगे। ठीक है, देखिए दो फंदों का एक कर लेंगे, ऐसे ही हम कहीं कहीं पे 9 फंदे कम कर लेंगे। एक फंदा कम हो गया, दो फंदे कम हो गए, यहाँ पे दो का एक करेंगे, ये 3 फंदे कम हो गए, यहाँ पे 4 फंदे कम कर लेंगे, पांच फंदे कम हो गए, छः, ये 7वां फंदा कम हो गया, ये 8वां फंदा कम हो गया, एक फंदा और कम कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हम ये लास्ट फंदा, 9 फंदे हमने कम कर लिए हैं। अब हमारे टोटल यहाँ पे 70 फंदे रह गए, 70 फंदे। ठीक है, अब इसमें हम बैक साइड से डिजाइन बैठाएंगे, बैठाने को हम फ्रंट साइड से भी बैठा सकते हैं, लेकिन हम बैक साइड से शुरू करेंगे इसका। देखिए क्या करना है, 13 फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे, उल्टी साइड है ना, तो 13 फंदे उल्टे ही बना लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तेरह फंदे हो गए ना, अब दो फंदे सीधे करेंगे, बैक करेंगे, 4 फंदे उल्टे कर लेंगे, दो फंदे सीधे करेंगे, धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, धागा आगे, दो फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे।
दो फंदे सीधे, दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। अब देखते कितने फंदे बच गए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। अभी हमारे यहाँ पे दो पैटर्न और आएंगे, एक दो तीन, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। अब देखते हैं यहाँ पे तेरह फंदे हो रहे नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह फंदे हो रहे हैं ना। ये धागा आगे करेंगे, सॉरी पीछे करेंगे, और ये सारे उल्टे बना लेंगे। तो बैक साइड से हमने पैटर्न बैठा लिया है, अब फ्रंट साइड से देख लीजिए क्या करना है। आप चाहें तो दोनों पार्ट एक जैसे ही बना सकते हैं, आप चाहें तो बैक पार्ट में आप केबल ना डाल के खाली उल्टे और सीधे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट है हमारा, तो इसकी सीधे तरफ से कैसे आएगी देख लीजिए, जो उल्टे बनाए थे हमने वो सीधे आएंगे, तेरह फंदे सीधे बना लेने हैं। तेरह तेरह फंदे सीधे हो गए, तो देखिए तेरह फंदे हमारे सीधे हो गए। हम अब धागा आगे कर लेंगे, जो दो पीछे सीधे बनाए थे वो फ्रंट साइड में हमारे उल्टे आ जाएंगे, दो उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये चार जो फंदे हैं सीधे जो हमने उल्टी तरफ उल्टे बनाए थे, इनका बनाना है हमने केबल। केबल बनाने के लिए क्या करेंगे, बैक साइड से उधर के दो फंदे ले लेंगे और इनको इस तरह से ले लेंगे ऐसे, और इनको भी ले लेंगे फिर इसी में, एक दो तीन और ये चार, ठीक है। ये केबल हो गया, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, चार फंदों का केबल बनाएंगे। चार फंदे हमने उल्टी साइड से उल्टे बनाए थे, सीधी साइड से ये सीधे आ गए, ठीक है। इनको ऐसे करेंगे और ये दो फंदे छोड़ करके इन दो फंदों को इस नीडल में ले लेंगे ऐसे, और इन फंदों को यहां से निकाल करके आगे से ऐसे ले लेंगे, एक दो तीन और ये चार, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, बस यही हमारे केबल आता रहेगा, इसमें सात केबल बनेंगे, ये देखिए, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो, दो उल्टे चार फंदों का केबल, दो उल्टे चार फंदों का केबल, ये देखिए, दो तीन चार। धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे करेंगे, ये चार फंदे हमारे जो सीधे हैं इनका केबल बनाएंगे। रिपीट करते हुए पैटर्न हमको बनाना है, और केबल ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा इसमें। देखिए धागा आगे करेंगे, इन दो फंदों को उल्टा कर लेंगे। इस साइड से दो हमने उल्टे बनाए, उस साइड से ये सीधे आ जाएंगे, ठीक है। बैक साइड से उल्टी उल्टी रो हमारी है, जो सीधे आ रहे हैं ये उल्टे आ जाएंगे, और जो उल्टे आ रहे हैं वो सीधे आ जाएंगे। दो फंदे धागा पीछे, बार बार हमको केबल वही बनाना है। एक रो बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, उसके बाद आप बना लीजिएगा। दो उल्टे बनेंगे और ये तेरह फंदे जो हैं वो सीधे बना लेंगे। ये देखिए ऐसे आएगा, ये केबल आएंगे और ये ऐसे आएगा, ठीक है।
बैक रो देख लीजिए, एक रो आपको बैक रो भी बता देती हूँ। वैसे सेम ही बनाना है जैसे पहली बार मैंने बैक रो बनाया था। 13 फंदे उल्टे आ जाएंगे, इनको बना लेते हैं। ये देखिए 13 फंदे हमने उल्टे बना लिए, जो हमारे सिंपल सीधे अलग साइड साइड में थे 13 फंदे। अब जो दो उल्टे थे फ्रंट साइड से, उनको बना लेंगे सीधे, एक दो, ठीक है। और जो हमने केबल बनाया था वो उनको बना लेंगे 4 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। फिर दो फंदे हमारे जो उल्टे थे उनको बना लेंगे सीधा, एक दो। आगे आपके समझ में, वही बनाना है हमको, दो सीधे चार उल्टे, दो सीधे चार उल्टे, और 13 यहाँ पे हमारे लास्ट में उल्टे आएंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट साइड में आ गई, 13 फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं। अब क्या करना है आपको, एक बार हमने केबल दे दिया और दूसरी बार के सीधी रो हम ऐसे ही बना लेंगे, केबल नहीं बनाएंगे, सिंपल बना लेंगे, 4 सीधे और 2 उल्टे, इस तरह से इस रो को बना लेंगे, ठीक है। तो फ्रंट वाली सिर पे मैं रो की बात करूँ तो एक रो में हम केबल देंगे, एक रो में हम नहीं देंगे, ठीक है। इस वाली रो में नहीं दे रहे हैं, तो ये 2 उल्टे 4 सीधे करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद बैक रो कंप्लीट करके फिर से फ्रंट रो में बता देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने इतना बना लिया है। अब देखिए एक बार और बता देती हूँ आपको, तेरह फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे। अब देखिए फ्रंट साइड की, सिर्फ फ्रंट साइड की बात करूँ तो ये तीसरी रो है। पहली रो में हमने केबल बनाया था, दूसरी रो हमने सिर्फ फ्रंट रो, ठीक है, दूसरी फ्रंट रो हमने सीधी सीधी बना ली थी, तीसरी फ्रंट रो में हम वापस वही केबल ऐड करेंगे। ये दो फंदे छोड़ करके ये दूसरे दो फंदे लास्ट वाले ले लेंगे, इन दो फंदों को इधर से निकाल के इधर से ले करके इन फंदों को ले लेंगे ऐसे, और इनको बना लेंगे, ठीक है। एक केबल और बता देती हूँ, दो उल्टे करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे हैं, 4 फंदों को बैक साइड से ऐसे करेंगे, और इस वाली नीडल से दो फंदे छोड़ करके तीसरा और चौथा फंदा ले लेंगे ऐसे, और ये वाला नीडल हम पूरा ही निकाल लेंगे ऐसे चारों फंदों को, और फिर इस नीडल को आगे से इन दोनों फंदों को उठा लेंगे ऐसे, और उसके बाद इनको भी इसी में ले लेंगे, एक और दो, और इसको बना लेंगे, चारों सीधे बना लेंगे, ठीक है। आगे समझ में, तो चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं हम इसको। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से बैक साइड में भी हमारा अच्छा लग रहा है, ये हमारा फ्रंट साइड है, ठीक है। 3 इंच के करीब, जैसे कि फ्रंट वाला देखा था आपने, 3 इंच के करीब ये हो चुका है। यहाँ पे भी हम 9 फंदे कम कर लेंगे, ठीक है, 9 फंदे कम करके बैक साइड में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे कम कर लिए हैं, 70 फंदे रख लिए सेम जितने उसमें थे। अब क्या करना है, वही तरीका है बनाने का। देखिए 13 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, ठीक है। फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे, उल्टी तरफ से बन रहा है, ठीक है, दो फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, दो फंदे सीधे, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, दो फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के मैं 13 फंदे यहाँ पे, ये 13 फंदे, ये दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे, इसके बाद ये 13 फंदे, सॉरी ये दो फंदे सीधे आएंगे, उसके बाद ये उल्टे फंदे आएंगे 13 फंदे, ठीक है, जैसे हमने शुरू में बनाया था। तो 7 बार यहाँ पे 4-4 फंदे उल्टे आएंगे, तो इनको बना लेते हैं, फ्रंट साइड में दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर लिए, आ गए हम फ्रंट रो में, बैक साइड का पार्ट है ये, बैक साइड का पार्ट जो हम अभी बैक
रो में बनाया था वही बैक रो में बनाते जाएंगे। और फ्रंट रो में देखिए 13 फंदे हमको सीधे कर लेने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, ठीक है। 13 फंदे सीधे कर लिए, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे जो बैक साइड में हमारे सीधे जाएंगे, ठीक है। और ये 4 फंदों का जो हमने फ्रंट साइड में केबल बनाया था उनको हम केबल ना बना करके ऐसे सीधे बना लेंगे, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे, ठीक है। आगे आपको समझ में, बैक रो में हम बैक साइड में हमको यही बनाना है, फ्रंट साइड में हमको 4 सीधे 2 उल्टे बनाने हैं, उल्टी साइड में हमको 2 सीधे 4 उल्टे बनाना है और किनारे पे हमारे 13-13 फंदे। तो थोड़ा सा ये दोनों पार्ट बना करके बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए इसका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं, टोटल बताऊँ तो 9 इंच हो गया है टोटल, ठीक है। और यहाँ बॉर्डर से ऊपर को बताऊँ तो 6 इंच हो गया है। अब हम आर्म होल बनाएंगे, इसमें आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे देख लीजिए आप, दोनों साइड से एक ही तरीके से करेंगे। ये देखिए पहला फंदा बना लेंगे, ऐसी ले लेंगे, दूसरा फंदा बना लेंगे, 2 फंदे बना लिए। देखिए इस साइड के आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे, ये फंदा सीधा कर लेंगे ऐसे, और इस फंदे को और इस फंदे को 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक फंदा कम हो गया, इसी तरह से हम इस साइड के फंदे एक एक करके कम करते हुए जाएंगे और अब उस साइड जाएंगे हम। ये बना लिए, आगे को हमको क्या करना है, ये पैटर्न बनाते हुए यहाँ तक लेके आना है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए रो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली, अब हमारे लास्ट के 4 फंदे बचे हैं, 5 फंदे बचे हैं, ठीक है। अब ये देखिए 4 फंदे बच गए, 4 फंदों में हम इन 2 फंदों को 2 का एक करेंगे और इस तरफ के 2 का एक का जब हम फंदे करेंगे तो नॉर्मल तरीके से ऐसे करेंगे, ठीक है, और इन 2 फंदों को सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से हर रो में हमको फंदे बंद करने हैं। यहाँ पे हमको धागा फंदा पलट करके बनाना है, 2 फंदों के 2 फंदे बनाएंगे, इस फंदे को पलट लेंगे और 2 का एक कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे जब 4 फंदे रह जाएंगे तो इन 2 फंदों को नॉर्मल तरीके से ऐसे निडल लेकर के ऐसे 2 का एक करेंगे, उसके बाद 2 फंदे सीधे बना लेंगे। और बैक रो में हमको कुछ नहीं करना है, बैक रो हमारी जैसी बनती हुई आ रही थी वैसे ही बना लेना है। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं और एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम, एक फंदा यहाँ और एक फंदा यहाँ पे, 2 फंदे कम हो गए हमारे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए तीसरे फंदे को हमको क्या करना है, इस तरह से पलट लेना है और इनको 2 का एक इस तरह से करना है, इस साइड वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फंदे कम हो गए हमारे। इसी तरह से धीरे धीरे फंदे सारे, ये जो सीधे सीधे फंदे सारे फंदे कम हो जाएंगे। ये रो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे हमारे लास्ट 4 फंदे रह गए हैं, इसमें से एक फंदा कम करना है हमको। तो ये पहला और दूसरा 2 फंदों को हम नीडल को इस तरह से लेकर के 2 का एक कर लेंगे और 2 फंदे लास्ट में ऐसे सीधे सीधे बना लेंगे, ठीक है। तो आगे आपको समझ में, इसी तरह से हम ये जो फंदे हैं सारे 10 फंदे बंद कर लेंगे, ठीक है। 2 फंदे हो गए, 8 फंदे और कम करने, तो इससे हमारा थोड़ा सा कटिंग आ जाएगी आर्म होल की। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, सेम जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के फंदे बंद किए थे उसी तरह से ये फंदे बंद करने हमको, ठीक है। ये देखिए ये 10 फंदे हमारे ये बंद हो गए हैं, ठीक है, और 10 फंदे, ये 20 फंदे हमारे कम हो गए। अब हमारे ऊपर रह गए हैं यहाँ पे 50 फंदे, जहाँ पे हमने 10 फंदे यहाँ से हमने एक एक फंदा हर सीधी रो में बंद करना शुरू किया, तो यहाँ पे हमारे 10 फंदे कम बंद हो गए थे। तो यहाँ से हमने बॉर्डर शुरू कर दिया, एक उल्टा एक सीधा का, ठीक है।
ये बॉर्डर हमारा लगभग 1 इंच का हो गया है, आधे इंच का, सॉरी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 इंच से कम है, ठीक है। ये इतना बॉर्डर हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको बीच के फंदे बंद कर लेने हैं। अब हमको कितने फंदे बंद करने हैं और कितने रखने हैं ये देख लीजिए, 50 फंदे हैं टोटल, 50 फंदे हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे आपको कितनी मोटी इसकी स्टेप रखनी है वो देख लीजिए। अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 10 फंदों की रखते हैं तो ये इतनी आती है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 10, 20, बाकी 20 में आपके 30 फंदे रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 10 भी नहीं करेंगे और 10 ना करके हम यहाँ पे 12 12 फंदे रख लेते हैं, ठीक है। 24 फंदे आपके ये रहेंगे, बीच में आपके 26 फंदे कम बंद हो जाएंगे, ठीक है। 12 या 13 फंदे रख लीजिए। तो आपको मोटी स्टेप रखनी है तो मोटी रख लीजिए, पतली रखनी है तो पतली रख लीजिए। यहाँ पे मैं मोटी ही रखना चाहूंगी तो ज्यादा से ज्यादा फंदे ले लूंगी, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही रख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 फंदे रख लेते हैं, ठीक है। 12 ही हो गए, और 12 यहाँ छोड़ेंगे और बीच के सारे फंदे बंद कर लेंगे। और ये जो फंदे बंद करेंगे हम, इसको ज्यादा ना खींच के बंद करेंगे ना ढीला करेंगे, ठीक है। अगर खींच के बंद करेंगे तो गर्दन में चुभेगा, टाइट हो जाएगा। तो इसको हल्के हाथों से इस तरह से दो का एक करते हुए फंदे बंद कर लेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे बना नहीं पाई थी मैं, स्किप हो गया, ऑन करना भूल गई मैं। तो यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर दिए और 12 ये रह गए, ठीक है। इनको हमने एक उल्टा एक सीधे का पैटर्न बनाया है, यहाँ भी हमने एक उल्टे एक सीधे का पैटर्न बनाया है, ये बॉर्डर वाला, ठीक है। अगर आपको एक उल्टा एक सीधा बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, 2 उल्टे 2 सीधे बनाने वो भी बना सकते हैं, या तो आप इसमें पर्ल वाला पैटर्न दे सकते हैं, उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, अच्छा लगे, वैसा बना लीजिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। कुछ इंच बनाने के बाद लगभग जैसे स्टेप आएगा ये यहाँ इधर इस गर्दन मतलब कंधे से ऐसे आएगा, तो लगभग 7 इंच तो बनेगा ही बनेगा। तो 7 इंच के करीब बनाएंगे, साथ में हम बटन होल भी देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर लिए, 10 13 फंदे थे, 10 फंदे बंद कर लिए। अब 3 ही फंदे रहे हैं हमारे यहाँ पे, देखिए, ठीक है। सेम ऐसी बैक साइड में भी आपको 13 फंदे हैं, बैक साइड में भी दोनों साइड। तो 13 फंदे में से 10 फंदे ऐसे घटा लेने हैं और 3 फंदे यहाँ पे रहेंगे। अब क्या करना है हमको, बैक साइड से ही एक उल्टा एक सीधा करके बना लेना है। अगर रो के हिसाब से, मैंने यहाँ पे रो के हिसाब से ही बनाया है क्योंकि यहाँ पे हमने केबल दे रखा है, केबल की वजह से ये वाला पार्ट हमको थोड़ा सा छोटा लग रहा है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। अगर रो के हिसाब से बनाएंगे तो ये छोटा ही लगेगा, अगर लंबाई के हिसाब से बनाएंगे तो इसमें 5 6 रो आपको एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। लेकिन मैंने यहाँ पर रो के हिसाब से बनाया, बराबर रो बनाए दोनों के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उल्टा एक सीधे का
थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो चलिए इसको बॉर्डर दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए बैक पार्ट हमारा एक तो हमने कंप्लीट कर लिया, इसका जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो बटन होल बना लिए, एक और दो। अब ये वाला भी हम बटन होल के पास आ गए हैं, तो इसको मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। इसकी अगर फुल यहाँ से बताऊँ मैं तो ये 5 इंच आ रहा है, ठीक है। और होल हमने कहाँ पे किया है, 3.5 इंच में। तो ये भी हमारा 3.5 इंच हो चुका है, ये देखें 3.5 इंच के बाद हम यहाँ पे होल बनाएंगे। होल बनाने का तरीका देख लीजिए आप, 12 फंदे हैं, तो ये देखिए 2 2 4 6 फंदे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 6 फंदे के बाद एक सीधा एक उल्टा है, इसको इस तरह से लपेट लेंगे आगे को और इनको बना लेंगे ऐसे, ठीक है। 2 का 1 कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये देखिए ये हो गया। अब बैक साइड से भी हमारा उल्टा सीधा ही आएगा, तो कुछ नहीं करना, बस जो उल्टा है उसको उल्टा बनाना है, जो सीधा है उसको सीधा बनाना है, ये देखिए। और जो हमारा जाली वाला था वो उल्टा बनेगा इस साइड से, सीधा उल्टा सीधा उल्टा, ठीक है। आगे आपको बटन होल, तो ऐसी 5-6 रो के, 4-5 रो के बाद फिर एक बटन होल सेम तरीके से और दे देंगे जैसे इसमें हमने दिया है। एक बटन होल यहाँ पे दिया है, फिर 1 2 3 4 5 6 रो बनाने के बाद फिर 5 रो बनाने के बाद फिर एक होल दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी एक होल दे दिया हमने, एक होल और दे देंगे और सारे फंदे बंद कर लेंगे। तो इसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये इतना बनाने, यहाँ पे एक होल बनाया हमने, इतना बनाने के बाद वापस आ गए हम, ये देखिए एक बटन होल और बना लेंगे उसी तरीके से बना लेंगे। तो 2 बटन होल बन गए हैं, यहाँ पे भी 2 बटन होल हैं। अब यहाँ पे हम 5 या 6 रो बना करके इस तरह से फंदे बंद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 होल बना लिए हैं, अब कंप्लीट हो गया है। अब फंदे बंद करेंगे, इस फंदे को ऐसे ले लेंगे, एक बना लेंगे और जो बना हुआ फंदा है उसको ऊपर से ले लेंगे, ये देखिए, ठीक है। लास्ट फंदे को इस तरह से कट कर लेंगे और नोट लगा लेंगे, तो ये देखिए बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। और आपको ये लग रहा होगा बहुत ही छोटा सा है, लेकिन ये स्ट्रेचेबल इतना है कि देखिए ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको सिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे उल्टे सीधे का बॉर्डर बना लिया, लगभग 1 इंच से थोड़ा कम, ठीक है। अब इसको बंद कर लेंगे, बंद करने का तरीका वही रहेगा, 2 फंदों का 1 करते हुए बंद करेंगे, लेकिन ज़्यादा हाथ को टाइट नहीं रखेंगे, ठीक है।
इस तरह से। तो चलिए सारे फंदे बंद कर लेते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए इस तरह से फंदे बंद कर लिए हैं सारे। अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें झोल या फ्रिल टाइप का आ रहा है, तो जब बच्चा पहनेगा तो इस तरह से खींचेगा तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बैक पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसको खुला ना रख के जोड़ लें, आपकी मर्जी है, आप जैसा भी इसको बनाना चाहें। तो इसको सिल लेंगे आप, ठीक है। सिलने का तरीका देख लीजिए, ये देखिए बैक पार्ट हम सीधा रखेंगे और ये फ्रंट पार्ट है हमारा, फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे, दोनों सीधे सीधे आमने सामने आएंगे और यहाँ से सिल लेंगे हम जहाँ अब तक हमने आर्म होल की कटिंग की है, यहाँ तक इसको ऐसे सिल लेंगे और यहाँ इसको ऐसे, दोनों तरफ से सिल के यहाँ पे हम बटन लगाएंगे ऐसे, तो ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए सिल लेते हैं। तो देखिए सिल लिया हमने, अब बटन लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे एक बटन यहाँ पे लगा लेंगे और एक बटन यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बटन लगा लेते हैं। तो ये देखिए बटन हमने इसमें लगा लिए हैं। आप चाहें तो दो होल हमने बनाए इसमें, ढीला हुआ तो थोड़ा सा ऊपर वाले होल में ले लेंगे, अगर टाइट हो रहा है तो नीचे वाले होल में ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा तैयार हो चुका है। अभी हमको ये बहुत ही ऐसा लग रहा है, बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम बच्चे को पहनाते हैं तो देखिए कितना खींचेगा, ये इतना खींच के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए एक रिबन का बो बना लिया हमने, इस तरह से इसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया है और ये कंप्लीट भी हो गया है। तो बहुत ही सुंदर ये बन के आया है, देखिए बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। आपको लग रहा होगा ये, मैं बार बार यही मेंशन करा रही हूँ, आपको लग रहा होगा ये चौड़ा कम है, लेकिन जब इसको बच्चा पहनेगा तो देखिए इतना चौड़ा हो जाएगा, ये और भी चौड़ा हो सकता है। अभी मैंने बहुत प्रेशर इसमें, मतलब खिंचाव इसमें दिया ही नहीं है, अगर मैं इसको खींचूँ ज़्यादा तो ये इतना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।